हे एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। वी सेड दैट कि हम इस चैप्टर को तीन मेन हेडिंग्स में जो है कवर करेंगे, जिसमें हमने पहले कहा था कि हम जो है प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम मेंडल के कंसेप्ट को समझेंगे एंड मेंडल के बाद जो कंसेप्ट्स आए हैं जिन्हें पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट कहा गया उसे हम समझेंगे। सो आज जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है और इस वीडियो में जहां मैं स्ट्रेस दूंगा, दैट वॉज ऑन प्री मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। यूं तो मेंडल के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया बाद में जब उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया, लेकिन उनसे पहले कई साइंटिस्ट ऐसे हुए, कई फिलोसोफर ऐसे हुए जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। आज हम इन सभी थीरीज को ब्लेंडिंग थीरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं और ये सभी एक तरीके से डिसप्रूव है। सो ये जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट या जो थीरीज हैं, इन्हें मैं ब्लेंडिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस में जो है लिखूंगा। तो जिसमें जो हम अपना पहला कंसेप्ट लिखेंगे, दैट इज अ थ्योरी दैट इज नोन एज मॉइस्ट वेपर थ्योरी। दिस इज मॉइस्ट वेपर थ्योरी एंड इस मॉइस्ट वेपर थ्योरी को जो है पाइथागोरस ने दिया था। So, Pythagoras proposed this theory, that is moist vapor theory. देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हमारे शरीर का हर हिस्सा कुछ वेपर प्रोड्यूस करता है और ये एग्रीगेट हो जाते हैं और इनसे नई प्रोजनी जो है पैदा होती है। सो वॉट ही सेड दैट ईच बॉडी पार्ट प्रोड्यूसेस वेपर्स which aggregates to form a new progeny. You may be thinking कि ये concept जो है किस तरह से acceptable हो सकते हैं, लेकिन देखिए, अब जैसे Pythagoras जैसे renowned person उस time काफी इन्होंने जो है काफी work किया था, ये अपनी field में और दूसरी field में भी जो है काफी काम कर रहे थे, तो इनके द्वारा कहे गए शब्द जो है काफी मायने रखते थे उस time society में, तो इनकी theory जो है ये काफी time तक ये भी चली रही, ठीक है। सो ये पहली कंसेप्ट थी हमारे पास, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर का हर पार्ट कुछ वेपर प्रोड्यूस करता है और ये वेपर एग्रीगेट होकर के एक नई प्रोजनी बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सेकंड थ्योरी है जिसे एरिस्टोटल ने जो है प्रपोज किया था। आई एम श्योर आप एरिस्टोटल के नाम से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट जो है एरिस्टोटल ने बायोलॉजी में दिए हुए हैं। एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी, इसका नाम था, मैं लिख देता हूं, लेट्स से ब्लड की बात हो रही है तो हम इसे जो है रेड कलर से लिख देते हैं। इसका नाम था रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। सो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया एरिस्टोटल ने, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो मेल और फीमेल है इनकी बॉडी में जो ब्लड है, जिसमें मेल का ब्लड होता है वो होता है प्योर, फीमेल का ब्लड होता है इम्प्योर। मतलब मेल प्योर ब्लड प्रोड्यूस करता है, फीमेल इम्प्योर ब्लड प्रोड्यूस करती है, और ये दोनों ब्लड का कोगुलेशन होता है फीमेल की बॉडी में जहां एक एम्ब्रियो बनता है। और क्योंकि मेल का ब्लड जो है प्योर है, दैट्स व्हाई बच्चे में मेल के कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा आते हैं। तो इन्होंने कहा, तो हम इस बात को लिखेंगे व्हाट ही सेड एग्जैक्टली। सो अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, ही सेड दैट मेल प्रोड्यूसेस प्योर ब्लड एंड फीमेल प्रोड्यूसर्स इम्प्योर ब्लड। इन्होंने कहा कि ये जो ब्लड है इसका कॉगुलेशन होता है एंड कॉगुलेशन टेक्स प्लेस और अकर्स इन फीमेल बॉडी which then form embryo। तो इन्होंने कहा कि जो फीमेल की बॉडी में जो है एम्ब्रियो बनाता है, एंड ही ऑल्सो सेड दैट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डोमिनेटेड। तो
खैर जो है बाद में वर्ड आया, इन्होंने कहा कि जो मेल से करेक्टर आते हैं उनका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ही सेड दैट मेल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू दी प्रोजेनी सो ये कंसेप्ट दिया गया था, दैट वॉज प्रपोज बाय एरिस्टोटल. इसके अलावा जो है और भी कंसेप्ट दिए गए जिसकी अब हम बात करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड दैट वॉज गिवन बाय यस डार्विन. सो दैट वॉज नोन एज थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस. देखिए जो पेनजेनेसिस की थ्योरी है इसको प्रपोज किया था डार्विन ने. सो विल राइट दैट दैट इट वॉज प्रपोज बाय डार्विन. एंड डार्विन ने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इन्होंने जो है देखिए कही. इन्होंने कहा कि हमारे शरीर के हर हिस्से से कुछ माइन्यूट पार्टिकल क्रिएट होते हैं जिन्हें पेनजीन्स कहा जाता है या जेम्यूल कहते हैं. तो इन्होंने कहा कि हमारे शरीर के सोमैटिक पार्ट से, सोमैटिक और गैमेटिक पार्ट से, मतलब सारे ही पार्ट से जो है माइन्यूट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इन्हें पेनजीन्स कहा जाता है और इनका ट्रांसफर होता है हमारे गैमेट्स में और गैमेट्स के फ्यूजन से मतलब फर्टिलाइजेशन से फीमेल की बॉडी में जायगॉट बनता है. ऑल्दो ये भी एक इनकरेक्ट कंसेप्ट जो है अब हमें पता है कि कंसेप्ट इनकरेक्ट है, तो आइए इस बात को लिख लेते हैं. सो इट वॉज प्रपोज बाय डार्विन एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू डार्विन ईच बॉडी पार्ट produces so-called minute particle, minute particles, which are known as pangenes. जिन्हें जो है pangenes कहा गया या फिर जेम्यूल कहा गया, जेम्यूल जो है इन्होंने कहा. तो इन्होंने कहा कि हमारे शरीर का हर पार्ट कुछ मिनिएचर फॉर्म माइन्यूट पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिन्हें पेनजीन्स या जेम्यूल कहते हैं, और ये जो पेनजीन्स और जो जेम्यूल्स हैं इनका ट्रांसफर होता है, सो इनका ट्रांसफर होता है इनटू द गैमेट्स एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अ एम्ब्रियो इज फॉर्म. जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है और जो है इसमें पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं. हालांकि ये कंसेप्ट भी गलत है. इसके अलावा हम एक कंसेप्ट और बात करते हैं एंड देन फिर हम देखेंगे कि इन कंसेप्ट में क्या जो है प्रॉब्लम रही है. वन मोर वेरी नोन थ्योरी दैट इज नोन एज प्री फॉर्मेशन थ्योरी. एक्चुअल में दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय अ साइंटिस्ट और अ फिलोसफर नोन एज उनका नाम था स्वमार्प डम, राइट. सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय स्वार्मर्डम जो है, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग हियर बट एनीवेज, सो इट वॉज प्रपोज बाय स्वार्मर्डम, राइट. देखिए इन्होंने कहा कि गैमेट्स में कुछ मिनिएचर फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म के. आई एम वेरी श्योर कि आपने कभी ना कभी एक ऐसी पिक्चर देखी होगी जहां पर ये दिखाया गया है कि गैमेट्स में कोई छोटे छोटे यू नो इंडिविजुअल बैठे हुए होते हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो है अभी इस पिक्चर को जो है यहां शो करता हूं कि गैमेट्स में बहुत छोटे मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है. तो इन्होंने बताया कि जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे होता क्या है कि जो मिनिएचर फॉर्म है ये एक्टिवेट हो जाती है और इससे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. तो आइए पहले इस पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म थे क्या.
सो आई एम श्योर यू कैन सी दिस पिक्चर एवरीवन. सो दिस वाज अ कंसेप्ट दैट वाज अ प्री फॉर्मेशन और होमोन्क्यूलस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय स्वामर्दम. तो जो है इस कंसेप्ट को स्वामर्दम ने प्रपोज किया था एंड इनके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली था क्या कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं. सो विल राइट दैट गैमेट्स पॉजेस मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और देखिए इन्होंने कहा कि गैमेट के फ्यूजन के बाद में सो पोस्ट गैमेटिक फ्यूजन एक्टिवेट्स दी मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Then that will lead to the formation of progeny. Now in this picture you can see that a miniature form of organism is sitting into the gamete and इससे ही जो है बाद में offspring बनती है. तो देखिए ये कुछ थ्योरी थी जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करती हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले डिस्कस करी मॉइस्ट वेपर थ्योरी. सो लेट मी राइट इट अगेन और लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन वंस मोर. सो इन सारे कंसेप्ट्स को जो है ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर ब्लेंडिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया. मॉइस्ट वेपर थ्योरी को प्रपोज किया है पाइथागोरस ने, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का हर पार्ट वेपर प्रोड्यूस करता है जो एग्रीगेट होकर के न्यू प्रोजेनी बनाता है. एरिस्टोटल ने भी जो है कंसेप्ट दिया है जिसमें इन्होंने कहा है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू विच मेल प्रोड्यूसर्स प्योर ब्लड एंड फीमेल प्रोड्यूसर्स इम्प्योर ब्लड विच गेट कॉगुलेटेड इनटू द फीमेल बॉडी एंड देन फॉर्म एम्ब्रियो. इनके अकॉर्डिंग मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ ज्यादा होता है जो है प्रोजेनी में है. इसके बाद थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस जिसे डार्विन ने प्रपोज किया. अकॉर्डिंग टू द डार्विन हमारी बॉडी का हर पार्ट कुछ माइन्यूट पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम लोग पेंजीन्स या फिर जेम्यूल कहते हैं और इन्हीं का ट्रांसफर हमारे गैमेट्स में होता है. गैमेट्स में जो है इनका ट्रांसफर होने के बाद फ्यूजन होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है और कैरेक्टरिस्टिक आते हैं. प्री फॉर्मेशन थ्योरी को प्रपोज किया है स्वामर्दम ने, जिसके अकॉर्डिंग हमारे गैमेट्स में कुछ मिनिएचर फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं फ्यूजन के बाद और उससे प्रोजेनी बनती है. सो मेरा मोटिव ये है इस लेक्चर से आपको ये बताना कि सिर्फ जो है मेंडल ने ही कंसेप्ट देने की कोशिश नहीं की है, इसके अलावा भी मेंडल के अलावा भी जो है ये कंसेप्ट दिए गए हैं. अब देखिए ये जो कंसेप्ट हैं क्या ये एक्सेप्टेड हैं या ये फेल क्यों हुए, इस बात को जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. मैंने आपको बताया था कि इन सारी थ्योरीज को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है. अब क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है ये समझते हैं. इन सब थ्योरीज को एक नाम भी दिया गया जिसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, दैट इज ऑल दीज थ्योरीज आर नोन एज ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस. देखिए ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है. ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो जाता है तो यहां पर एक्चुअल में पेरेंट्स के कैरेक्टर मिस्ट जो है मिक्स हो जाते हैं, राइट. तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है ब्लेंड होना, मिक्सिंग. सो ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग ऑफ पेरेंट्स कैरेक्टर. ठीक है ना, कि जो पेरेंट के कैरेक्टर है वो मिक्स हो जाते हैं. ये सारी थ्योरी रिजेक्टेड थी. मैं इसको एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं कि इनका रिजेक्शन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने कहा कि एक मेल है लेट्स से, या फीमेल हम कंसिडर करते हैं जनरली, लेट्स से फीमेल इज ऑफ फेयर कलर, कि जो फीमेल है उसका फेयर कलर है और ये मेट करती है एक ऐसे मेल से जिसका डार्क कलर है, राइट. सो ब्लेंडिंग थ्योरी के हिसाब से जो बच्चा होना चाहिए उसका इंटरमीडिएट कलर होना चाहिए, राइट. हर बार की जो बच्चा है उसका इंटरमीडिएट कलर होना चाहिए, ना तो फेयर होना चाहिए ना डार्क होना चाहिए. लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना. आज हम जानते हैं कि जो कलर है, जो बॉडी में कलरेशन है, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का टाइप है, राइट. सो इसके अकॉर्डिंग तो इंटरमीडिएट कलर आना चाहिए, ब्लेंड हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता. मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. अगर मान लीजिए कि एक मेल है जो कि टॉल है, लेट अस से वी हैव अ टॉल मेल and it meet with the female who is short-heighted, let's say dwarf. तो again, इसके हिसाब से parent के character mix हो रहे हैं, तो जो बच्चा है कोई भी हो सकता है, male हो सकता है, female हो सकता है, इसकी जो height है ये intermediate होनी चाहिए.
इंटरमीडिएट हाइट शुड बी देयर. लेकिन ऐसा होता है क्या? इंटरमीडिएट हाइट हमेशा तो नहीं होते ना ऐसे. तो आज हम जानते हैं कि इनके लिए जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, एंड दे डिसाइड विच अलील इज डोमिनेंट. राइट, जो अलील डोमिनेंट होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा. तो ये सारे रीजंस थे, ये मेनली इसके ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, तो वी कैन से कि अबव जो दो हमने एग्जाम्पल साइट किए यहां पर, सो दीज टू एग्जाम्पल्स शोज दैट रिजेक्शन ऑफ ब्लेंडिंग थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंडल. बट मेंडल के बारे में एग्जैक्ट बात करने से पहले आई विल टेक अ क्लास वेयर वी विल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट क्रोमोसोम्स आर, व्हाट जीन्स आर, व्हाट वी कॉल अलील, व्हाट कैरेक्टर्स आर. लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.